हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम लोग देख चुके थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन किस तरह से होता है। कुछ मॉलिक्यूल इजीली इंटर कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्रॉस कर पाते हैं। आज हम लोग देखेंगे आयन चैनल्स के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली टू टाइप्स का हो सकता है। एक होता है कैरियर प्रोटीन के थ्रू और एक होता है आयन चैनल्स। तो कैरियर प्रोटीन और आयन चैनल में मेन डिफरेंस क्या था कि कैरियर प्रोटीन में कुछ कंफर्मेशनल चेंज होते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड होता है तो कंफर्मेशनल चेंज होके वो क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को एंटर करवाएगा सेल के अंदर या फिर सेल के एग्जिट करवाएगा। तो आयन चैनल्स थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ भी कंफर्मेशनल चेंजेस नहीं आते हैं चैनल के अंदर, और कोई भी मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड होके एक गेट की तरह रहता है जो ओपन होके मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवाता है। और आयन चैनल क्या है, सबसे फास्टेस्ट रेट में डिफ्यूजन करवाता है, फास्टेस्ट रेट में मॉलिक्यूल्स का फ्लो करवाता है। ओके, तो आयन चैनल्स बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक होते हैं गेटेड चैनल्स, जिसमें मींस एक गेट की तरह रहेगा, गेट क्लोज हो सकता है और गेट ओपन हो सकता है किसी भी स्टिमुलस के थ्रू। कोई स्टिमुलस आएगा, कोई स्टिमुलाई आएगा तो उसको स्टिमुलेट करके क्या करेगा, गेट को ओपन कर सकता है, अदरवाइज गेट क्लोज रहेगा। एंड सेकेंड है नॉन गेटेड और ओपन चैनल, जो हमेशा क्या रहेंगे, ओपन फॉर्म में रहेंगे। तो ये सारे चैनल्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का। अगर ये समझ में नहीं आया तो सिग्नलिंग और काफी सारी जो अदर हायर टॉपिक्स हैं वो समझ में नहीं आने वाले। ओके, सो सिग्नलिंग को समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिग्नलिंग हो कैसे रही है, मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स, ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, और वो किस कंडीशन में एंटर कर रहे हैं, कौन सा उसको सिग्नल मिल रहा है और कब मिल रहा है, ये सारी चीज देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गेटेड चैनल क्या हो सकता है, या तो लिगेंड गेटेड हो सकता है। लिगेंड क्या होते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, चैनल्स पे आके बाइंड होंगे, और जैसे वो बाइंड होंगे चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, और मॉलिक्यूल्स वहां पे एंटर कर जाएंगे। देन नेक्स्ट होता है वोल्टेज। वोल्टेज मींस कोई चार्ज मॉलिक्यूल, कोई चार्ज वहां पे आएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा गेट को ओपन होने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, एक तरह का गेटेड आयन चैनल है जिसमें गेट क्लोज है, और जैसे यहाँ सिग्नल आया, स्टिमुलस आया, ये गेट ओपन हो गया और मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रॉस कर पा रहे हैं। और अनदर टाइप का होता है नॉन गेटेड और ओपन चैनल, जो क्या होता है, हमेशा ओपन फॉर्म में रहता है, और इसका जो एग्जांपल है वो है ओपन पोटेशियम चैनल। इस तरह से ये ओपन स्टेट में रहेगा और मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब इसमें दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी उसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दोनों वर्क करेंगे यहाँ पे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वर्क नहीं करेगा, उसका चार्ज भी वहां पे वर्क करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जब इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, मॉलिक्यूल का फ्लो बंद हो जाएगा, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल्स फ्लो करते रहेंगे। ओके, तो इस टाइप के चैनल को बोलते हैं ओपन पोटेशियम चैनल या फिर ओपन नॉन गेटेड चैनल। तो फर्स्ट देख लेते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मींस सेल के बाहर आउटर साइड में प्रेजेंट होगा, और इंट्रिंसिक मींस इनर साइड में प्रेजेंट होगा। ओके, तो एक्सटर्नल कोई लिगेंड अगर आकर बाइंड हो रहा है तो इस टाइप के लिगेंड कौन से होंगे, वो होंगे पोलार नेचर के, क्योंकि वो अगर नॉन पोलार होते तो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अगर वो क्रॉस नहीं कर पा रहे इट मींस वो क्या है, पोलार नेचर के हैं, कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। ओके, सो वो जैसे ही लिगेंड वहां पे आएगा गेट में, कोई वो गेट जैसे ओपन हो जाएगा और वहां से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एंटर होने लग जाएंगे। इस तरह के लिगेंड गेटेड चैनल का एग्जांपल है लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। ओके, तो सोडियम चैनल कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, जब नर्व सेल के अंदर कुछ डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या होता है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है। ये काफी सारी अदर सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ अटैच
अटैच रहती है सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। तो वहां पे कैसे सिग्नल ट्रांसफर होगा, एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। वो किसके थ्रू करेगा, जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में जो सोडियम चैनल, लिगेंडेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं एसिटाइलकोलिन, क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करेगा, इन इन चैनल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ओपन होने के लिए। और द बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन एट सर्टेन सिनेप्सिस, सिनेप्सिस किसको बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस, ओपन्स चैनल्स दैट एडमिट सोडियम एंड इनिशिएट इन नर्व इंपल्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो किसी भी मसल्स के पास में कोई न्यूरोन आ रही है तो वहां पे भी सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट रहते हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। तो जैसे ही सोडियम किसी भी सेल के अंदर एंटर करता है तो वहां पे क्या होता है, उस सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या होने लग जाता है, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाने लगता है। और जैसे जैसे सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वहां पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है और कुछ ना कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कुछ वहां से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन होता है वहां पे। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का एक और न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या करता है, कुछ सिनेप्सिस पे ये भी बाइंड करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और क्लोराइड चैनल्स को क्या, क्लोराइड आयन को क्या करेगा, ओपन करेगा। ये भी क्या, कौन से टाइप का है, एक्सट्रिंसिक टाइप का है। और क्लोराइड चैनल्स जब, क्लोराइड आयन्स जब एंटर होते हैं सेल के अंदर तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और फिर वापस से वहां पे क्या होगा, इनिबिशन होगा, एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बंद हो जाएगा। ओके, तो हाइपर पोलराइजेशन करवाता है क्लोराइड चैनल जबकि सोडियम क्या करवाता है, डीपोलराइजेशन। तो ये सब हम लोग नैरो इंपल्स कंडक्शन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हाइपर पोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है एंड वापस से रीपोलराइजेशन होता है। ओके, तो गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड यहाँ पे क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। मींस किसी भी चीज में जहां पे सिग्नल अगर जनरेट हो रखा है पहले से और उसको इनहिबिट करना है तो क्या करेगा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा। लाइक कोई हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है उसको थोड़ा इनहिबिट करना है, और इस तरह की जो प्रोसेस होती है किसी को, किसी भी प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करेगा गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन एसिटाइलकोलिन क्या है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, किसी भी प्रोसेस को एक्साइट करने का काम करेगा। ओके, देन इंट्रिंसिक चैनल्स, इंट्रिंसिक लिगेंडेटेड चैनल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर इंटरनल साइड में कोई लिगेंड आके बाइंड होके उस सिग्नल जनरेट कराएगा। तो इस तरह का चैनल होता है पोटेशियम चैनल। ओके, क्योंकि पोटेशियम हमने देखा था सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और जब सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लग जाता है तो फिर क्या होता है, लिगेंड गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और फिर पोटेशियम क्या होता है, बाहर आउटर साइड में फ्लो करने लग जाता है, जिसकी वजह से उस सेल का वापस से क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। तो इंटरनल लिगेंड्स बाइंड टू ए साइड ऑन द चैनल प्रोटीन्स एक्सपोज्ड टू द साइटोसोल, साइटोसोलिक साइड में एक्सपोज्ड कोई साइट होगी उस पे क्या करेंगे, ये लिगेंड बाइंड होंगे। ओके, इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल है सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर क्या करते हैं, जब कोई बाहर एक्सटर्नल कोई रिसेप्टर है वहां पे कोई सिग्नल आके बाइंड हुआ और फिर उसको सेल के अंदर सिग्नल करवाना है, सिग्नल भेजना है, तो वो किस, कौन भेजेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क कौन कर सकता है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, इसके अलावा डैग, डायसाइक्लिसरॉल, ये सब क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर के टाइप है। कैल्शियम चैनल भी, कैल्शियम आयन भी क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क कर सकता है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं, रेगुलेट चैनल्स इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ इम्पल्सेस इन नर्वस रेस्पोंडिंग टू ऑर्डर एंड लाइट रेस्पेक्टिवली। तो ये स्मेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी स्मेल के लिए या फिर लाइट के रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ये हम सब सिग्नलिंग में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करता है, और लाइट की सिग्नलिंग होती है और ऑर्डर वाली सिग्नलिंग होती है। देन एक और चैनल होता है जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल।
हम लोगों ने जब मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ रहे थे उसमें देखा था एक ब्रांड थ्री आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, मल्टीपल स्पनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो इसी चैनल का, इसी लिगेंड गेटेड आयन चैनल का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, जब भी टिश्यू से CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाना होता है लंग्स के पास तक, तो वो किसके थ्रू होता है, बाइकार्बोनेट के थ्रू, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से। ओके, तो हीमोग्लोबिन को के अंदर आरबीसी सेल के अंदर क्या करते हैं, क्लोराइड आयन को बाहर निकालते हैं और बाइकार्बोनेट को अंदर लेके फिर वहां पे क्या होगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है लंग्स के अंदर, फिर वापस से बाइकार्बोनेट वहां रिलीज करवा दिया जाता है और क्लोराइड आयन वापस आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है आरबीसी सेल के अंदर। तो इस तरह का चैनल प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, और ये क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता है, एटीपी डिपेंडेंट एटीपी का यूज होता है लेकिन वो सिर्फ चैनल को ओपन करने के लिए एटीपी का यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग इसमें पैसिव डिफ्यूजन में कंसिडर कर रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एटीपी का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको इसके अंदर कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटीपी का यूज सिर्फ चैनल को ओपन करने के लिए हो रहा है, आयन के ट्रांसपोर्ट या आयन के फ्लो के लिए एटीपी का यूज नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल को कंसिडर करते हैं इसके अंदर। तो एटीपी इज नीडेड टू ओपन द चैनल्स दैट अलाउज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन्स आउट ऑफ द सेल। दिस चैनल इज डिफेक्टिव इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज हो जाती है जिसमें क्लोराइड चैनल क्या होते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं, ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, देन नेक्स्ट है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज मीन्स नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसे चार्ज मॉलिक्यूल होंगे जिससे वो चैनल क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। ओके, तो सम चैनल्स ओपन और क्लोज इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन चार्ज मेजर, इसको किस में मेजर करेंगे, वोल्ट्स के अंदर। ओके, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस टाइप के चैनल का एग्जांपल है, न्यूरॉन के अंदर काफी सारे ऐसे चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं लाइक सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ओके, तो ये क्या करवाते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन कराते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत हम लोग नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बारे में भी देखेंगे अभी कि किस तरह से न्यूरॉन में कोई सिग्नल आता है, जैसे हम लोग कहीं टच करते हैं, अगर वो गर्म चीज को टच किए तो एकदम से वापस से हटा लेते हैं हाथ को, तो वो किस वजह से हटाया, क्योंकि एक कुछ मिली सेकेंड के अंदर सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर और ब्रेन वापस सिग्नल पहुंचाता है उस टिश्यू के पास, इसको हैंड को यहाँ से रिमूव करना, तो इस तरह का सिग्नल होता है उसमें ये सारे चैनल्स वर्क करते हैं। ओके, तो एग्जांपल है, एज एन इंपल्स पासेस डाउन इन न्यूरॉन द रिडक्शन इन द वोल्टेज ओपन सोडियम चैनल्स इन द एडजेसेंट पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस अलाउ द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द न्यूरॉन एंड थस द कंटिन्यूएशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो हमें पता है नर्व सेल काफी लॉन्ग होती है और उसके अंदर एक्सोन सेल बॉडी और एक्सोन हिलॉक और उसके बाद टर्मिनस प्रेजेंट रहता है। ओके, तो एक्सोन की जो काफी ज्यादा लेंथ होती है, तो उसमें एक बार नर्व इंपल्स जैसे जनरेट हो गया, सोडियम आयन अंदर एंटर हो गया, एक्शन पोटेंशियल एक बार जनरेट होने से काम नहीं चलता, तो इस वजह से पूरे एक्सोन में क्या होता है, जगह जगह पे सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से सोडियम एंटर करता रहता है और वापस से आगे एक्शन पोटेंशियल पास करेगा और पीछे क्या होता जाएगा, वापस से पोटेंशियम चैनल बाहर जाके वापस से उस मेम्ब्रेन का रिपोलराइजेशन होता जाएगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इसके एग्जांपल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा किसी भी सेल के अंदर और ये कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स और एक्सोन ऑफ न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये हाइपर पोलराइजेशन करवाएंगे, मीन्स पोटेशियम चैनल अगर बाहर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा वापस सेल का, लेकिन कुछ अमाउंट में ज्यादा अगर पोटेशियम चैनल बाहर चले जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ओके, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर प्रेजेंट ऑन एक्सोन ऑफ न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन के एक्सोन पे प्रेजेंट रहते हैं। देन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ये क्या करवाते हैं, कोई भी वेसिकल के अंदर अगर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है तो उसको फ्यूज करवाने का काम कौन करेगी, कैल्शियम चैनल, इसलिए ये एक्सोन के टर्मिनस पे प्रेजेंट रहते हैं।
ओके तो इस तरह से नैरो इंपल्स कंडक्शन होता है। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है जिसमें इस पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी और ये क्या है एक्सॉन और ये है एक्सॉन टर्मिनस। ओके तो एक्सॉन पे यहाँ पे हमें पता है माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है इस तरह से और फिर ये इसका इसको जूम करके देखें तो इस तरह से यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं सोडियम चैनल और जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है हमें पता है -70 समथिंग होता है। उसके बाद क्या होगा जैसे सोडियम चैनल अंदर आने लगेंगे एक एक टाइप का ये जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और ये कहाँ पे होता है डेंड्राइट्स के अंदर। डेंड्राइट्स के अंदर कुछ लिगेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट रहते हैं जो अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया तो सोडियम को इंटरनलाइज करवाएंगे यहाँ पे कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो वो एक्शन पोटेंशियल कितना होता है अगर -35 तक पहुंच गया -35 से -65 तो एक मिनिमम लेवल का एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है इतना मिनिमम पोटेंशियल जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कब ओपन होंगे जब यहाँ पे इस सेल के अंदर -35 से -65 तक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो ये -70 था उसके बाद -65 से -35 तक पहुंचेगा तब क्या होगा वहां पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होगा जिसकी वजह से इस एक्सॉन हिलॉक के यहाँ एक्सॉन हिलॉक के अंदर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर एक्सॉन के अंदर क्या होगा लिगेंड गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे और जैसे जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आगे आगे पास होता रहेगा। ओके तो उसके बाद क्या होगा जैसे ही सोडियम अंदर आया डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ओके ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और ये क्या करवाएंगे डीपोलराइजेशन होगा मीन्स इसके अंदर कोई भी फंक्शन कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जैसे ही सोडियम चैनल सोडियम अंदर आने लगता है पोटेशियम क्या करने लग जाएगा बाहर जाने लग जाएगा ओपन पोटेशियम चैनल के थ्रू और जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा वापस क्या हो जाएगा रिपोलराइजेशन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा क्लोजर ऑफ सोडियम एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो इस ग्राफ से भी काफी टाइम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे कि 0, 1, 2, 3, 4 और इसमें पूछा जाएगा कि डीपोलराइजेशन कहाँ पे हो रहा है और रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन कहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है और इसमें इन सारे चैनल्स का क्या रोल होता है। ओके तो इस तरह से सोडियम चैनल आगे ट्रांसफर करते रहेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन को और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा। जैसे इसका टर्मिनस आएगा यहाँ पे क्या होगा कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और वो क्या करेंगे उस न्यूरोट्रांसमीटर को वेसिकल के फॉर्म में जो रहेगा उसको क्या करेंगे डंप कर देंगे साइनेप्सिस के अंदर। ओके और जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल रिमेन ओपन आफ्टर द पोटेंशियल रीचेस रेस्टिंग लेवल अगर यहाँ पे रेस्टिंग लेवल रीच हो गया उसके बाद भी अगर पोटेशियम चैनल ओपन रह गए तो वो क्या होगा फिर क्या हो जाएगा वहां पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है। एंड देन नेक्स्ट थर्ड टाइप का लास्ट टाइप का जो आयन चैनल है वो है मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल जिसमें कोई स्टिमुलस ऐसा आएगा कि जिसमें मैकेनिकल स्टिमुलस आएगा लाइक सेंसेशन वाला जैसे ऑडिटरी सेंसेशन हो सकता है या फिर कोई टच सेंसेशन हो सकता है। ओके तो ऑडिटरी सेंसेशन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट ऑन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ईयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ईयर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की हेयर सेल्स प्रेजेंट रहती है जो क्या करवाती है हमें ऑडिटरी सिग्नल प्रोवाइड करवाती है ऑडिबल बनाती है। ओके तो उन हेयर सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है सोडियम चैनल मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ कोक्लिया कोक्लिया के अंदर भी ये प्रेजेंट रहते हैं मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल। और कोक्लिया का क्या फंक्शन है ये बॉडी बैलेंसिंग में
फंक्शन करता है, रोल प्ले करता है अपना, ये सब हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा होता है टच सेंसेशन। सो दिस इज अबाउट आयन चैनल्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।